आप जो देख रहे हैं ये BHU पाठशाला, इस BHU पाठशाला में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं MA संस्कृत का एक बैच लेकर के आए हैं। उस MA संस्कृत के बैच में हम लोग संपूर्ण तैयारी, क्योंकि जो कुछ ही महीने में बढ़िया से आप ये तैयारी करेंगे तो आप ये विश्वास कीजिए कि जो PG का जो कोर्स है, अर्थात जो MA PG है ना CVT में, तो हमारी जो तैयारी, उस तैयारी के अनुकूल यदि आप बढ़िया से प्रयास करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप CVT की परीक्षा को पास कर लेंगे। हरिओम नमो नमः, आप सभी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भार्गव। आप सभी देख रहे हैं BHU पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को एक छोटी सी जानकारी, और वो भी संपूर्ण जानकारी आपको संस्कृत के बारे में दी जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, उनमें संस्कृत एज ए सब्जेक्ट के रूप में है भी, तो क्या हम किस फैकल्टी में संस्कृत के बारे में, संस्कृत में एडमिशन लेने के लिए, उसमें प्रवेश लेने के लिए हम लोग किस फैकल्टीज में अप्लाई करें, इस सब की संपूर्ण चर्चा हम लोग आइए करते हैं। और भाई साहब का स्वागत है, हम लोग के साथ में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब इस विश्वविद्यालय के ही के छात्र हैं, वर्तमान में भी अभी हैं, तो हम इनके माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, एक ये कहिए कि गागर में सागर का, सागर की जो जानकारी होती है ना, वो जानकारी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए हम लोग इन्हीं के माध्यम से जानकारी लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहले अपना परिचय दीजिए। नमो नमः, मेरा नाम प्रभात रंजन तिवारी है, मैं वर्तमान समय में MA प्रीवियस ईयर का छात्र हूँ, और मैंने अपना BA ऑनर्स इन संस्कृत यहीं फैकल्टी से ही किया है, और वर्तमान समय में MA संस्कृत प्रीवियस ईयर में हूँ, और अभी तत्काल में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मित्र भी हमारे साथ हैं, ये भी जो है सेकेंड ईयर में है। अच्छा, अभी आप वर्तमान में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आप हम लोग को ये बताइए कि जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कितनी फैकल्टीज हैं जिसमें संस्कृत की पढ़ाई होती है। देखिए अभिषेक जी, हमारे जो इसमें वर्तमान में जहाँ इसमें हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, इसको कला संकाय कहते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, एंड इसके बगल में जो संकाय है वहाँ पे वो फैकल्टी ऑफ SVDB है। अच्छा, इसके बगल में एक और फैकल्टी है जो SVDB के नाम, SVDB के नाम से जानी जाती है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है दो फैकल्टीज हैं जहाँ संस्कृत का अध्ययन होता है। पहली है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, जिसमें परंपरागत जो कि ट्रेडिशनल रूप से होती है, जो है वहाँ पे आपके जो हमारे संस्कृत में जो छः वेद के जो छः अंग हैं, वेद पूरे वेदांगों की पढ़ाई होती है। सबके अपने अपने ऑनर्स होते हैं, साहित्य ऑनर्स, वेदांत ऑनर्स, और ज्योतिष ऑनर्स, व्याकरण ऑनर्स, वेद ऑनर्स। लेकिन हमें वहाँ जैसा कि आप सभी उसको विदित है, हम लोग CUT PG के अंतर्गत वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम जो वर्तमान में जो हमारा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है यहाँ से जो CUT PG अच्छा, है। आप ये बताइए जैसे जो दो फैकल्टीज हैं, पहले तो एक SVDB हो गया और दूसरा आर्ट फैकल्टी, तो SVDB में जो परंपरा वाले जो बच्चे हैं जो गुरुकुलीय पद्धति इत्यादि से पढ़ते हैं, ज़्यादातर वो लोग शास्त्रीय और आचार्य करते हैं, और जो आपका जो आर्ट फैकल्टी वाला है ये जिसमें संस्कृत है आर्ट फैकल्टीज में, तो इसमें BA जो होता है वो भी क्या संस्कृत से होता है BA? देखिए BA में क्या है, यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जब आप ऑनर्स चूज करते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑनर्स चलता है, तो हम ऑनर्स लेंगे। जो हम ऑनर्स लेंगे उसमें हमारे 6 सेमेस्टर में वही हमारे सब्जेक्ट बचते हैं। जब हम BA ऑनर्स में संस्कृत चूज करेंगे तो हमें जो है जो हम कोर विषय के साथ साथ अंतिम वर्ष में केवल हम संस्कृत का ही अध्ययन करेंगे, जो कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय की जानकारी हमें इससे प्राप्त होगी। अच्छा, मतलब BA में एज ए कोर्स के रूप में हम संस्कृत लेते हैं जी, और थर्ड ईयर में भी हमारा संस्कृत रहता है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम PG की तैयारी करते हैं MA संस्कृत के बारे में, उसकी थोड़ी क्या तैयारी होती है कि बताइए। देखिए जो अभी जैसा कि आप सभी हाँ, पहले जब हम लोग PG की तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमको फॉर्म भरना पड़ता है जी, तो क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपना अलग से फॉर्म लेता है या CUCT के मध्य में है, ये भी है यूनिवर्सिटी के माध्यम से है? जैसा हम सभी को विदित है कि 2022 जो 2023 है, 2023 पर 2022 की जो परीक्षा हुई है वो CUT PG के अंतर्गत जो है हुई है, CUT के अंतर्गत हुई है, जिसमें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें हमारा भी विश्वविद्यालय शामिल है। इसके पूर्व में जो है विश्वविद्यालय स्वयं अपनी परीक्षा लेता था, लेकिन वर्तमान समय में CUT PG के अंतर्गत PGQP 14 के अंतर्गत जो है हमारे जो है संस्कृत सब्जेक्ट आता है जी।
तो जैसे मान लीजिए जो हमारे जो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शकगण हैं या जो भी हमारे मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो भी कहीं भी हैं देख रहे हैं, तो उनके लिए एक मान लेते हैं अभी वो लोग अनभिज्ञ हैं, तो तैयारी का जो क्रम है, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, किस हिसाब से करें, क्या सिलेबस इत्यादि है, तो उसके अनुकूल हम वो लोग अपनी तैयारी कैसे करें, थोड़ा इसके बारे में हम लोग को बताइए। देखिए, इस बार तो मैं इस परीक्षा में शामिल हुआ था और सी यू जैसे कि आपको विदित है, हमसे जब विश्वविद्यालय लेता था तो संभवतः या इसी चीज़ को इसी परिप्रेक्ष्य में लेता था कि हमारे बच्चे हैं तो हम जो 3 वर्षों में जो संस्कृत की जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं, उसी के इसके अंतर्गत वो प्रश्न जो है पूछता था। और वर्तमान समय में भी लगभग उसी से जो है, जो हम 3 साल में जो कोर्स ले करके और जो ऑनर्स में जो हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं संस्कृत के, तो उन सारे विषयों का जो समावेश है जो है वो हम पढ़ते थे, उसी से प्रश्न उठते थे। लेकिन जो वर्तमान समय में क्या है कि CUET PG का जो लेवल था वो बहुत इस समय जो है हाई चला गया है, लेकिन जो उसका मूल है, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ हिज क्वेश्चन, दैट इज द लेवल ऑफ GRF लेवल, तो अभी बहुत हाई हो चुका है। तो अभी जो उसके, लेकिन जो मूल स्रोत है, जो जेनेसिस है उसका, वो हमारा जो है यही, जो 3 सालों में हम जो संस्कृत साहित्य वांग में जो हमें पढ़ाया जाता है हम वही पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम लोग जो BA हम वहाँ से लेकर के जो थर्ड ईयर तक का है, तो उसमें हम लोग को जो संस्कृत के जो सिलेबस या जो भी चल रहे हैं, जो ग्रंथ इत्यादि लगे हैं, उन ग्रंथों को यदि हम बढ़िया से पढ़ लें तो आगे क्या MA की एंट्रेंस में हम लोग की सहयोग करेंगे? वो सहयोग ही नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, और वही उसका आधार है, उसी को बेस बना करके जिन जिन कवियों को हम पढ़ते हैं उन्हीं की अन्य रचनाओं से भी हमें जो है प्रश्न पूछा जाता है। जो हम पढ़ते हैं उससे तो हमें डीपली पूछा जाता है, लेकिन उनकी अन्य रचनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हुआ, तो ठीक है, फिर बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम जैसा कि हम लोग देखे कि एक सूक्ष्म जानकारी, एक जो सूक्ष्म जानकारी होती है संस्कृत के बारे में, वो सूक्ष्म जानकारी भाई साहब के माध्यम से हम सभी को मिला, और आप सभी लोग इस जानकारी से लाभान्वित होंगे, हमें ऐसी आशा है, विश्वास भी है। तो जो CVET का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुकूल जो पढ़ाई है, जैसा कि बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं, लगे हुए हैं CVET में, ग्रंथ लगे हुए हैं, क्या है, वेद है, व्याकरण है, दर्शन है, साहित्य है, क्योंकि जो संस्कृत वांग्मय है वो विपुल साहित्य है, और उस विपुल साहित्य में हम लोग कितना भी गोता लगाएं लेकिन पार नहीं पा सकते। लेकिन हाँ, जो बढ़िया से गोता लगाएगा वो मोती लेकर के निकलेगा। वो मोती क्या है कि आप लोग CVET को क्रैक करेंगे, अपने मनचाही यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला पाएंगे। तो आप जो देख रहे हैं ये BHU पाठशाला, इस BHU पाठशाला में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं MA संस्कृत का एक बैच लेकर के आए हैं। उस MA संस्कृत के बैच में हम लोग संपूर्ण तैयारी, क्योंकि जो कुछ ही महीने में बढ़िया से आप ये तैयारी करेंगे तो आप ये विश्वास कीजिए कि जो PG का जो कोर्स है, अर्थात जो MA PG है ना CVET में, तो हमारी जो तैयारी, उस तैयारी के अनुकूल यदि आप बढ़िया से प्रयास करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आप CVET की परीक्षा को पास कर लेंगे। पुनः मैं कार्यक्रम के इस अंतिम चरण में आप सभी का फिर से इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रांगण से सभी को हर हर महादेव। फिर मिलते हैं, नमो नमः।